हेलो गाइस, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब सीरीज रिव्यू में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कायरा सीरियल की अपकमिंग वेब सीरीज के बारे में, उसके साथ एक और नई अपकमिंग वेब सीरीज का अपडेट देने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो में। तो मतलब टोटल दो अपकमिंग वेब सीरीज के बारे में आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ अपने छोटे भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो, आपके दोस्त भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। तो और घंटी पर अलाउ जरूर कीजिए दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों कायरा सीरियल के बारे में। तो कायरा सीरियल के बारे में बात की जाए दोस्तों, इनकी भी एक अपकमिंग वेब सीरीज आ रही है। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इनकी भी एक वेब सीरीज आएगी। उससे पहले हम बात करें दोस्तों निकिता भद्वाज के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग पूछते हैं निकिता भद्वाज जी का कोई अपकमिंग वेब सीरीज का अपडेट आया है या नहीं। तो अगर हम बात करूँ निकिता भद्वाज जी की दोस्तों, तो इनका अभी कोई अनकट वेब सीरीज का अपडेट नहीं आया है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं बता सकता हूँ आपको, बिंदु ठाकुर की अपकमिंग वेब सीरीज का अपडेट आ चुका है। और इनकी वेब सीरीज आपको कब देखने को मिलेगी, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वेब सीरीज का नाम क्या होने वाला है, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज का नाम है दोस्तों तोहफा। जी हाँ, इस वेब सीरीज का नाम तोहफा है और तोहफा का एक ही पोस्टर है छोटा सा। तो ये वेब सीरीज आपको कब देखने को मिलेगी, यही मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में। ये वेब सीरीज आपको दोस्तों देखने को मिलेगी कल के डेट में। जी हाँ, वेडनेसडे को आपको ये वेब सीरीज देखने को मिलेगी, और वो भी मौज फ्लिक ऐप पे। तो मौज फ्लिक ऐप पे आप जाके इस वेब सीरीज को देख सकते हैं, कल के डेट में आपको ये वेब सीरीज देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें दोस्तों मूड वाले का, तो मूड वाले तो भाई साहब पूरी तरह भौकाल मचा दिया, मज़ा आ गया भाई अपडेट देख के। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कायरा सीरियल का भी एक वेब सीरीज आने वाला है, और वो अभी पेंडिंग में है। तो फाइनली मूड वालों ने इसको रिलीज डेट कर दिया है। और कायरा सीरियल की बात की दोस्तों, ये तो वैसे अनकट वेब सीरीज में काम नहीं कर रही है, क्योंकि इन्होंने अनकट वेब सीरीज छोड़ दिया। तो इनका भी जो भी मूड वालों ने पेंडिंग में रखा था जो भी वेब सीरीज, तो वही वेब सीरीज को अब फिर से रिलीज होने वाली है। तो समझ लो कि हमें एक तरफ से कायरा सीरियल का एक तोहफा मिल गया है, मतलब फिर से हमें कायरा सीरियल देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें इनके काम के बारे में दोस्तों, तो इनका काम तो बहुत ही बढ़िया था दोस्तों, और देखने में बहुत अजब मज़ा आ गया। और अगर हम बात करें दोस्तों मूडेस के बारे में, तो मूडेस ने भी पीछे कहा था कि मैं एक आपके अपडेट बेस्ट लेकर आ रहा हूँ। तो ये अपडेट दोबारा से मिल गया है, और देख सकते हैं आप, ये रहा इस वेब सीरीज का नाम दोस्तों हंगरी हसीना। जी हाँ, हंगरी हसीना का एपिसोड 4 भी रिलीज होने वाला है। अभी तक टोटल 3 एपिसोड हमने देख लिया है। और इनके पीछे जो भाई साहब खड़े हैं, इनको तो आप जानते होंगे, इनका नाम है विनोद त्रिपाठी, जिसको हमने जमुनिया के सीजन 1 सीजन 2 और एपिसोड 1 एपिसोड 2 और 3 में हमने देखा था। तो अगर हम बात करें दोस्तों इस वेब सीरीज की रिलीज डेट के बारे में दोस्तों, तो ये वेब सीरीज आपको कब देखने को मिलेगी दोस्तों, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वेब सीरीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों 22 मार्च को। जी हाँ, 22 मार्च को आप इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी टाइमिंग, रिलीज डेट की टाइमिंग की बात करें दोस्तों, तो ये वेब सीरीज आपको शायद नाइट में देखने को मिलेगी या फिर मॉर्निंग में देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के मैं देख रहा हूँ मूड वाले मॉर्निंग में ही वेब सीरीज को रीड कर देते हैं। तो यही छोटा सा अपडेट आपको देना था। अब आपसे मिलते हैं दोस्तों किसी और नए अपडेट के बारे में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। और जाने से पहले एक बार कहना चाहूँगा आपसे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ अपने छोटे भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर भी करो। एक अपडेट ढूंढने में दोस्तों, नए अपडेट ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे हम किसी और नए अपडेट के बारे में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।